चर्चा कर रहा था, अचानक चार पांच ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी है। मैंने कहा हाँ। बोले हम दिल्ली से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहां पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज की सर्च की और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट्स ऑफिसर है उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न एक रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल मेरा, मेरे दोनों बेटों का 3 मोबाइल और जो ईमेल है दोनों की बेटों की वो लेकर के गए हैं और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहां से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का वातावरण बना करके और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी